आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है नंबर लिखवाने के लिए। तो इसीलिए गाइस सुबह सुबह जल्दी आना चाहिए ताकि नंबर जल्दी लग सके और जो फीस होती है वो जल्दी कट जाए। सुबह यहाँ पे 5-5:30 बजे पहुँच जाना चाहिए। पर्ची कटती है 100 रुपये की, तभी आपका नंबर कंफर्म लिखा जाएगा। यही मेन गेट है जो बुंगा टिब्बी रिलाइज सेंटर को जाता है। मैं आप सभी को यहाँ का टाइम और दिन बता देता हूँ कि ये किस किस दिन खुला है। सुबह सुबह नाम लिखता है, उसका टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो 5 बजे ये बंद हो जाता है। ये स्पेशल रविवार के दिन खुला है और सोमवार को ये बंद रहता है। तो यहाँ पे आप सोमवार को ना ही आए तो बेटर है। सोमवार को ये हमेशा बंद रहता है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हेल्पलाइन सेंटर खुला हुआ है मरीज का नाम लिखवाने के लिए। 100 रुपये चार्जेज। हेलो जी, राम राम जी। स्वागत आपको हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस जैसा कि अभी सुबह के बज रहे हैं 3 और गाइस आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं पंचकुला बुंगा टिब्बी पैरालाइज सेंटर, जहाँ पे गाइस मैं पहले भी जा चुका हूँ और गाइस मैंने वहाँ की पहले भी वीडियो डाल रखी है जिसका रिस्पांस भाई बहुत ही अच्छा आया है। गाइस उस वीडियो में 1K+ व्यूज चले गए हैं, बहुत ही अच्छा व्यूज आ रहा है उस वीडियो पर। तो मैंने सोचा कि गाइस उस वीडियो मैंने पूरी जानकारी नहीं दी थी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। तो गाइस पंचकुला में एक गांव है जिसका नाम है बुंगा टिब्बी, तो उसी गांव में पैरालाइज सेंटर है। तो गाइस उस गांव के नाम से ही पैरालाइज सेंटर को नाम दिया गया है। और गाइस वहां पे लोग कहते हैं कि वहां पे वरदान दिया गया है, जो भी वहां पे पैरालाइज के पेशेंट आते हैं वो हमेशा ठीक होकर के ही जाते हैं। और गाइस मैं आपको वहाँ का टाइमिंग वगैरह बता दूँ, सुबह सुबह 6 बजे वहाँ पर नंबर लगना शुरू हो जाता है जिसकी 100 रुपये फीस है। तो पहले तो नहीं थी, अब जाके 100 रुपये फीस लगनी शुरू हो चुकी है। और गाइस सुबह सुबह 6 बजे नंबर लगने शुरू हो जाते हैं। 9-10 बजे डॉक्टर वगैरह आ जाते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो 9-10 बजे का टाइम है वहाँ पे और शाम तक खुला रहता है वो। जो पेशेंट आते हैं वहाँ पे बिल्कुल ठीक होकर ही जाते हैं, तो इसलिए लोग वहाँ पे दूर दूर से आते हैं। तो गाइस वहाँ पे बहुत ही जाना माना पैरालाइज सेंटर है। तो आप सभी भी आए तो हम दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता कि कैसे जाना है। आप सभी को इस वीडियो पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं आज पुंगा टिब्बी पैरालाइज सेंटर। A few hours later. तो दोस्तों अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए और गाइस आप देख सकते हो बाहर मौसम बहुत ही खतरनाक हो रखा है, बारिश वाला। देख सकते हो आप हवाएं चल रही है गाइस। तो अभी फिलहाल हम चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके पड़े हैं, तो चाय पी के निकलते हैं फिर। कोई नहीं है, देखो सुबह सुबह सिर्फ हम ही हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बुंगा टिब्बी पैरालाइज सेंटर पे और गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 6। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग आ चुके हैं सुबह 6 बजे। तो दोस्तों आप वेदर देख सकते हो कितना प्यारा हो चुका है सुबह का वेदर। और गाइस अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और आप देख सकते हो कितने लोग सुबह सुबह आ चुके हैं यहाँ पे। लोग 4-5 बजे आकर अपना नंबर लगवाते हैं। और गाइस मैं बता दूँ कि इनकी कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ये सिर्फ इकलौता ही पैरालाइज सेंटर है। तो आप देख सकते हो ये सामने बंदे नंबर लिखवाने के लिए जा रहे हैं आगे पर्ची में, और नंबर लिखवाने के लिए 100 रुपये चार्जेस है। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आने की कोशिश करिए ताकि जल्दी से जल्दी नंबर लगे आप सभी का भी। हमारा नंबर लगा है 34 नंबर, देखो सुबह सुबह आए हैं हम। तो गाइस ये है बुंगा टिब्बी पैरालाइज सेंटर जहाँ से गाड़ी जा रही है, तो इसके अंदर है पैरालाइज सेंटर। ये देखो वो सामने है बुंगा टिब्बी एंट्रेंस गेट, तो यहाँ से बस बिल्कुल ही 500 मीटर पे ही है बुंगा टिब्बी पैरालाइज सेंटर। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पैरालाइज सेंटर खुला हुआ है। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो मरीज का नाम लिखवाने के लिए 100 रुपये चार्जेस है। और ये आप देख सकते हो नोट पढ़ लेना। तो दोस्तों आप देख सकते हो लाइन कितनी लंबी लग चुकी है नाम लिखने के लिए। तो इसीलिए गाइस सुबह सुबह जल्दी आना चाहिए ताकि
नंबर जल्दी लग चुके लग जाए और जो फीस होती है वो जल्दी कट जाए। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि सुबह यहाँ पे 5-5:30 बजे पहुँच जाना चाहिए। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है नंबर लिखवाने के लिए। ये भी दुकान खोलेंगे तब पर्ची कटती है 100 रुपये की, तभी आपका नंबर कंफर्म लिखा जाएगा। और अभी सेंटर बंद है, 10-11 बजे खुलता है सेंटर। अभी फिलहाल कैंटीन वगैरह खोल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पे सुबह सुबह वो भी। सो गाइस अभी हम 2 घंटे सो गए थे और गाइस अभी बच चुके हैं सुबह के 9। और अभी गाइस अभी हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि कहाँ पे है और कौन सी जगह पे है बुंगा पैरालाइज सेंटर। इस पूरा गांव का नाम है बुंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ हर जगह पे बुंगा बुंगा लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लक्ष्मी आटा चक्की है, बुंगा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बुंगा गांव है पूरा, और इसके सामने ही भाई पैरालाइज सेंटर है, आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है ग्राम पंचायत बुंगा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस यही मेन गेट है जो बुंगा टिब्बी पैरालाइज सेंटर को जाता है। और गाइस जैसे आप एंटर करोगे बुंगा टिब्बी गांव में, तो आपको ये वाला श्री गोगा जी का पीर का स्थान दिखेगा, मंदिर दिखेगा आपको। तो इसके आगे 100 मीटर पे ही पैरालाइज सेंटर है, तो आपको दिखाते हैं। रास्ते में आप सभी को गाय भैंस दिखाई देगी और गाड़ियां वगैरह दिखाई देगी। तो गाइस ये ऊपर बोर्ड भी लिखा हुआ है पैरालाइज फिजियोथेरेपी चिरकपुर में भी है। तो यहाँ पे सारे ढाबे वगैरह है नाश्ते वगैरह करने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, पार्किंग की जगह भी नहीं है। तो अभी 9:30 बज चुके हैं, देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी है, दूर दूर से लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी भी सेंटर नहीं खुला है, सेंटर खुलने का टाइम है 10:30-11 बजे। तो गाइस मैं आप सभी को यहाँ का टाइम और दिन बता देता हूँ कि ये किस किस दिन खुला है। जो सुबह सुबह नाम लिखता है उसका टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो 5 बजे ये बंद हो जाता है। गाइस ये स्पेशल रविवार के दिन खुला है और सोमवार को ये बंद रहता है। तो यहाँ पे आप सोमवार को ना ही आए तो बेटर है, तो सोमवार को ये हमेशा बंद रहता है। तो गाइस आप देख सकते हो डॉक्टर आ चुके हैं 10:30 बजे, तो 11 बजे स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का ट्रीटमेंट वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो बस 10 मिनट का काम होता है इंजेक्शन का। वही आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग आते ही जा रहे हैं, देख सकते हो लोग बैठे हैं, लोग बैठे हैं इंतज़ार में। तो ये ऐसी भीड़ शाम तक लगे रहती है। और वैसे भी आज रविवार है, रविवार के दिन बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो दोस्तों अगर किसी को बुंगा टिब्बी पैरालाइज सेंटर पर आना है तो किसी को लोकेशन नहीं पता है, तो मैंने आप सभी का काम बहुत ही आसान कर दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन पर यहाँ की लोकेशन डाल दी है, तो आप डायरेक्ट लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ पे यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, मुश्किल हमको पड़ जाती है गाड़ी निकालने के लिए। तो हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, अब निकाल रहे हैं अब गाड़ी। तो गाइस अभी हमने पेशेंट का इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया था, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो वो लोग अच्छे लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर देना। भाई अब हम निकल रहे हैं भाई घर की तरफ, तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हमने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी थी आगे, वहाँ सामने है बुंगा टिब्बी का एंट्रेंस द्वार। तो ये सामने है बुंगा टिब्बी, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, हो चुकी है इस टाइम। तो अब चलते हैं घर, मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।